दूसरा दिन है और दूसरे दिन की कार्रवाई किस तरह से रहने वाली है। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा है। सर, आज दूसरा दिन है सत्र का, किस तरीके की कार्रवाई रहने वाली है? देखिए, आज तो जैसे पहला तो क्वेश्चन और होता है और उसके बाद में शून्यकाल होता है 1 घंटे के लिए, जिसमें ये तय किया गया है कि हर एक मेंबर जो है 4 मिनट बोलेगा और 15 मेंबरों की लॉटरी द्वारा निकाला जाएगा। और उसके बाद फिर जो जहरीली शराब पे जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है अभय सिंह चौटाला द्वारा और कुछ और मेंबर्स द्वारा, वो इसके अंदर लिया जाएगा। तो इस तरीके से है। और उसके बाद में एक बिल भी आया हुआ है, वो आज शायद लिया जाए कि पिछड़ा वर्ग के अंदर जो जातियां हैं, कुछ एक जातियां जो अनुसूचित जाति के अंदर कर दी थी और कुछ एक के अंदर जो बोलने में थोड़ा सा वो है, जिस तरीके से नायक, थोरी, हेड़ी, एक ही जाति को अलग अलग किया था, तो उसको क्लैरिफिकेशन करके ताकि उनके सर्टिफिकेट बनाने में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो इस तरीके का बिजनेस आज जो है वो रहेगा। अब जहरीली शराब का मुद्दा उठेगा, लेकिन इस पर विपक्ष ये कह रहा है कि हमने काम रोको प्रस्ताव दिया था लेकिन इसको ध्यान आकर्षण में तब्दील कर दिया है। देखिए, ये प्रैक्टिस भी रही है और ये तो चेयर की मर्जी है, स्पीकर साहब का अधिकार है कि वो इसको किस तरीके से ले। और जब एक उन्होंने दिया है काम रोको प्रस्ताव और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसके ऊपर सरकार अपनी तरफ से जवाब देगी, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई उनको किसी को भी इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो पहले दिन के अगर कार्रवाई की बात करें तो हमने देखा कि काफी अमर्यादित भाषाओं का भी इस्तेमाल किया गया, तो सदन में किस तरह से उचित है और इसको लेकर के क्या आप अपील भी करेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि जो भी माननीय सदस्य हैं वो चुन करके आते हैं और शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज नहीं होनी चाहिए। और अगर ये करता है तो फिर देश की जनता देख रही है, उसका मैसेज कोई अच्छा नहीं जाता। मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से भी हमारे जो माननीय मेंबर है, विधायक है, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि आप चुन करके आए हैं और आप अपनी बात आप रखें, लेकिन सही शब्दों के अंदर आप रखें। कोई भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना करें, किसी एक दूसरे पर व्यक्तिगत किसी के ऊपर भी कोई टीका टिप्पणी जो है नहीं करनी चाहिए। पक्ष विपक्ष होता है, सरकार का काम है जवाब देना, और जो विपक्ष के लोग हैं उनको चाहिए कि करंट इश्यूज को उठाना चाहिए, लेकिन कोई भी अगर उसको लेकर के कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करे या कोई उसमें कोई ओछा बोलने का काम करे तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। जहरीली शराब को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया है, इसके अलावा कुछ और भी हैं क्या, केवल जहरीली शराब को लेकर के ही तमाम जो विपक्ष है वो सदन में अपनी बात? देखिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्योंकि एक दिन में एक लाया जा सकता है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और तो कई आए थे, लेकिन एक नियम है, नियम कायदे की बात है कि जिस तरीके का जो बिजनेस रहता है, एक दिन में एक हम एक्सेप्ट करते हैं, वो कर लिया गया है। उसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी। माननीय जो सदस्य जिन्होंने ये रखा है वो अपने बात उठाएंगे और सरकार उसके ऊपर पूरा जवाब देने का काम करेगी। जो टाइमिंग की बात थी, हालांकि अब विधायक कह रहे हैं कि हमें 4 मिनट का समय जरूर दिया गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर भी प्रदेश के मुद्दों को हम इन 3 दिनों में नहीं उठा सकते हैं, तो लगता है कि थोड़ा इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है या टाइमिंग में जो लास्ट अंतिम दिन होगा मंगलवार का उसमें बढ़ाया जा सकता है। देखिए, हमने तो अभी क्योंकि पहले जो 3 दिन होते थे वो 2 से 6 होते थे या 10 से 2 होते थे, उसके अंदर केवल 4 घंटे बिजनेस होता था। हमने उसको बढ़ा करके अभी 6 घंटे करने का काम किया है। तो आप ये मान करके चलिए जो 3 दिन है वो भी जो अगर पहले की हम बात करें सिटिंग की तो 4.5 दिन जितना उसके अंदर समय रहेगा। और फिर भी क्योंकि ये जो है कितना टाइम चलेगा ये बीएससी के अंदर तय होता है, उसमें एलओपी माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी और सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री और विज साहब कंवर पाल जी तमाम सदस्य उसके अंदर होते हैं। तो बीएससी के अंदर ये डिसाइड किया गया है और मैं समझता हूँ कि हमने जहाँ तक बोलने की बात है 4 मिनट के अंदर अपनी बात कह सकते हैं आराम से, और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को बोलने का मौका हमने इस सेशन के अंदर भी और पहले भी जो है ज्यादा वक्त बल्कि जो हमारे जो विपक्षी साथी है उनको देने का काम किया है। देखिए बिल्कुल वसंत, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जो कि साफ तौर से दूसरे दिन की कार्रवाई के बारे में बता रहे थे। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि प्रश्नकाल से जो है सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद शून्यकाल होगा, जो कि ध्यान आकर्षण जो प्रस्ताव आज लाया गया है वो जहरीली शराब के मुद्दे को लेकर लाया गया है और अभय सिंह चौटाला द्वारा ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया, लेकिन इसमें बलराज कुंडू जो कि निर्दलीय विधायक है वो भी इस पर अपनी चर्चा रखेंगे, नीरज शर्मा है, इसके अलावा बिशनलाल सैनी है, वरुण चौधरी है, मेवा सिंह है, भारतभूषण बत्रा है, कुलदीप वस्त्र है, जगवीर सिंह मलिक है, रेनू बाला है, शीशपाल सिंह है, श्रीमती शेली है, शकुंतला खटक है, आफ्ताब अहमद है, रावधान सिंह है, गीता बुकल है, किरण चौधरी है। ये तमाम वो लिस्ट है जिस पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर आज जहरीली शराब को लेकर आज सदन में अपनी बात रखी जाएगी, क्योंकि लगातार जहरीली शराब का मुद्दा पूरे प्रदेश भर में जो उठ रहा है, 22 लोगों की जो मौत हुई है उसको लेकर के आज सत्ता पक्ष से सदन में जवाब मांगा जाएगा। अब देखना होगा क्योंकि डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी अब सीधा अपने विधानसभा के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि 11 बजे सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और आज शाम 6 बजे तक चलेगी ये कार्रवाई। अब देखना होगा कि आज की कार्रवाई किस तरह से रहने वाली है और सदन में किस तरह से जो विपक्ष है वो अपनी बात को रखता हुआ यहाँ नजर आएगा। बिल्कुल गुलशन, कार्रवाई पर भी नजर बनाए रखेगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।